तो मुझे वाला कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद तो आ रखा है लेकिन क्या कर सकते हैं ना। तो देखो जहाँ से मंदिर आते हैं ना गेट का रास्ता, तो यहाँ पर भी तोड़ दिया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गया फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और सारा काम हो गया, नाश्ता पानी भी हो गया, और अभी मैं जा रही हूँ कमो के साथ पार्लर में, क्योंकि उनको पहनानी है चूड़ियाँ, वो जा रही हैं घर, तो जाके आती हूँ। और मैंने दाल ना उमाल दी है ताकि अगर देर भी हो जाएगी ना तो फटाफट से घर आके दाल मैं छौंक लगा लूँगी, और दाल तो उमल ही चुकी है। तो जाती हूँ और मैं ना ऐसे खाली हाथ जा रही हूँ, क्योंकि नहाना तो कुछ नहीं है मुझे, पर्स वर्स में ले जा रही, और खाना कुछ नहीं है, बस ऐसे जा रही। तो चलते हैं। तो अभी हम है रास्ते में, और धूम ना खतरनाक वाली हो रही है आज भी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्लर में, और चूड़ी थोड़ी अभी पहनेंगे, उससे पहना ही करेगी, कुर्तियां रखी हैं तो कुर्तियां देख लो, क्योंकि कपड़े वपड़े भी रखे। तो कमू चलेगी अंदर कुर्ती होते देखने के लिए, तो मैं भी जाती हूँ देखने के कैसे आ रखे हैं। चप्पल खोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इनका अंदर है ना दुकान, तो बस इतनी है बाहर की तरफ से, बाकी इनके रूम है यहाँ पे, और पार्लर ये रहा अंदर को देख रहे। कुर्तियाँ ना बहुत अच्छी अच्छी आ रखी हैं यहाँ पे, और समझ में नहीं आ रहा, मैं तो खैर वैसे ही आ रही थी, आपको पता ही है मैं पैसे नहीं लेके आई हूँ, खाली हाथ आ रखी हूँ, सिर्फ इनके साथ में आ रखी हूँ मैं। तो ये पसंद करें, क्योंकि एक जा रहे हैं घर, और घर जाने समय ना शॉपिंग करनी ज़रूरी होती है। तो मुझे ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद तो आ रखा है लेकिन क्या कर सकते हैं ना, अभी नहीं खरीद सकते हम। ठीक है, दो कलर पसंद आ रखे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। और कुर्तियाँ और दिखाओ तो मुझ में कैसे लग रहा। तो फाइनली उन्होंने सामान रख लिया, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, और अब चलते हैं घर, टाइम ज़्यादा हो गया है, और यहाँ ऐसी जगह पे आना तो टाइम लग ही जाता है, तो अब चलते हैं घर को। तो हम लोग आ गए हैं पार्लर से वापस, और अभी भी बना रही है चावल की रोटियाँ। वैसे पहाड़ी में क्या बोलते हैं इसको, काली बात। मंदू की शैतानी देखो यहाँ पर, ये क्या है भाई, क्या है भाई ये देखो शैतानी, और ये अपनी बॉडी शॉडी कहाँ, देखो बॉडी बिल्डर हुआ, बॉडी बिल्डर हुआ, देखो हंस रहा है ये देखो, ये तो हंस रहे हैं मंदू, ये देखो 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 मंदू मंदू मंदू। तो चलो दीदी जी बना रहे हैं रोटियां अपने लिए, और हम जाते हैं अंदर और खाना पीने की तैयारी करते हैं। अभी नाश्ता कर लिया? हाँ। तो मैं आ गई हूँ दीदी के वहाँ से, और खाना भी बना दिया है मैंने, दाल बना दिया और चावल रखा है, और बाहर में ना बाहर जेसीबी चल रही है हमारे वहाँ पे, आज पता नहीं क्या 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 काम चल रहा है जेसीबी का, रोड तोड़े हैं पूरी, मतलब पेड़ वहाँ देख सब उखाड़ दिए हैं उसने, जो जो दीदी ने लगा रखे ना, कड़ी पत्ता हो गया, अमरूद का हो गया, यहाँ तक की सीढ़ियाँ भी तोड़ दी है, और अभी ना हमारे घर की सीढ़ियाँ तोड़ी, जहाँ से हम आ गए ना गेट वहाँ पर दिखाते हैं उनको, हाई भयानक आवाज आ रही है देखो। तो देखो जहाँ से मंदिर आते हैं ना गेट का रास्ता, तो यहाँ पर भी तोड़ दिया। ये तो अपना काम कर रहे हैं, और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है, तो उससे पहले ना अपना दुपट्टा ले लेती हूँ, और चावल में भी सीटी आ गई चाय यार, पानी ज़्यादा से लेती हूँ। तो ये बन चुका है, और गैस मैंने बंद कर दिया, तो अब मैं जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए, और मेरा दुपट्टा तो चलते हैं। तो जेसीबी लगा है अपने काम में, डामर रोड बनती है इसमें, तो फिर हमारा ना टहलने के लिए अच्छा हो जाएगा,
तो वैसे भी प्रॉब्लम हो रही थी ना, बारिश हो रही थी जब, तो कीचड़ कीचड़ हो जा रहे थे रास्ते में, अब अच्छा हो गया है। और सीढ़ियाँ टूट गई हैं जब, तो गंदा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को लेके आती हूँ। तो मैं लेके आ गई हूँ बच्चों को, और गुंजना बहुत खुश हो रही है क्योंकि जन्माष्टमी के लिए सेलेक्ट हो गई है डांस में, तो डांस करेगी है। और लोगों को मैंने बोला कि हमारे रोड में ना जेसीबी चली है, तो बहुत खुश हो रखा है क्योंकि उसको जेसीबी पसंद है। कहाँ से जाएं भाई, रुको रुको आने दो जेसीबी को, लोग जेसीबी को आने दे एक बार, फिर चलते हैं। और धूप कितनी भयंकर लग रही है, तू कहाँ जा रहा है लगो? बच्चे भी आ गए हैं घर, और जैसे भी अपना काम कर रही है, और मैं लोगों को नहलाती हूँ क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है, तो लोगों को नहलाती हूँ। गुंजन थोड़ी देर में नहाएगी क्योंकि इसको बहुत पसीना हो रखा है, गुंजन को पसीना सूखने देते हैं फिर नहाएगी। ठीक है गुनू, क्योंकि पसीने में नहाने से ना बुखार हो जाता है, और लोगों ने हमसे पहले अंदर आ गया था, और ठंडी हवा खा के ना उसके पसीने सूख गए हैं, तो उसको नहला देती हूँ मैं एक बार। और सिद्धू लोग भी जा रहे हैं यार आज घर, आज सुनसान लगेगा यहाँ। तो अभी समय है शाम के 6:44 का, और मेरा बन रहा है यहाँ पे रात का खाना, और आज रात के खाने में बन रहा है कद्दू की सब्जी, ये रही कद्दू की सब्जी। और मैं साथ में पी रही हूँ यहाँ पे अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो सब्जी उब्जी बनाते हैं, और आप सोच रहे होंगे ना इतनी जल्दी सब्जी क्यों बना रही है, वो ये है कि आज है मंगलवार, और हम मंगलवार को ना जल्दी खाना पीना बना लेते हैं। वैसे तो हर रोज़ मैं सब्जी जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी बना रहे हैं क्योंकि खाना पीना खा खो करके जाते हैं मंगल बाज़ार सब्जी वब्जी लेने के लिए। तो सब्जी वब्जी बनाते हैं और चाय भी पीती हूँ, और आज के ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप कि आज के ब्लॉग आपको पसंद आए, और अगर थोड़ी सी भी आती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय हिंद, जय देव, बाय बाय।